के बात करना चाहेंगे क्या जॉब? आई थिंक सो, करना चाहिए लोगों को इस सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि एक एजुकेशन है. हम लोग कॉलेजेस में पढ़ते हैं ये सब चीज़ें, तो फिल्म के जरिए एक अच्छा माध्यम है. बड़े ट्रैक पे लोग देखना पसंद करेंगे इसको, और अच्छा है, करनी चाहिए. ओके, फाइव आउट ऑफ कितना शायद देना चाहिए? डेब्यू किया है मूवी में जस्ट, उनका मुझे एक थोड़ा कैरेक्टर सही लगा जस्ट, और उनके रैप सुन सुन के इतने बड़े हो गए हम, तो मुझे बादशाह के गाने भी, कोका, ये सब बहुत पसंद है. और मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना चाहिए जो मुझे चीज़ में बात करने के लिए? लेकिन फ्रेंड्स के साथ तो वैसे भी लोग करते ही हैं. ओके, फाइव आउट ऑफ स्टार कितना स्टार देना चाहिए? मैं 3 स्टार देना चाहूँगी फिल्म. थैंक यू. ओके, तो मैम आपने जस्ट खानदानी शफाखानी मूवी देखी, तो कैसी लगी आपको? फिल्म खानदानी शफाखाना में दो चीज़ मूवी देखी, खानदानी शफाखाना कैसी लगी आपको? मुझे इतनी कुछ इम्प्रेसिव नहीं लगी है, और मुझे ऐसा लगा कि मेरा पैसा और टाइम दोनों भी वेस्ट हो गया. इतनी बारिश में मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए आई थी, मुझे इतनी इम्प्रेसिव नहीं लगी. हालांकि इसका जो टॉपिक था बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं मूवी सक्सेसफुल नहीं रही है ऑडियंस को इम्प्रेस करने में. सी बादशाह ऑन स्क्रीन एज एन एक्टर, तो वो इस फिल्म में भी अपने खुद के एज अ रैपर ही दिखे, तो अपने ही रोल में दिखे. काफ़ी रिलेटेबल लगे, ऐसा कुछ नहीं लगा कि अरे क्या हो गया. सो आई थिंक ही डिड अ प्रीटी गुड जॉब इन द लिटिल लेस स्क्रीन टाइम दैट ही गॉट. पर कहीं ना कहीं थोड़ा और उन जो मैसेज वो देना चाहते थे सेक्स एजुकेशन के बारे में, वो आप तक पहुंच पाया? हाँ, वो यानी आप बात नहीं करते तो ऐसा करके उन लोगों ने फिल्म में कहा है, लेकिन अभी क्या पता, जो ज़्यादा लोग देख भी नहीं रहे तो मैसेज तो कैसे जाएगा. अच्छा, तो उसके अलावा वरुण शर्मा और बादशाह भी डेब्यू कर रहे हैं. बादशाह का अच्छा था वो, मतलब उसने डांस वांस नहीं किया लेकिन उसकी एक्टिंग अच्छी.